दोस्तों सुपर जैकपॉट पार्टी शेयर और एक ऐसे ही स्टॉक के साथ मैं आज फिर आपके साथ हूं। दोस्तों आज का जो काउंटर है, जब मैं आप उसको देखेंगे तो आप समझ लेंगे कि इस काउंटर के अंदर कितना पोटेंशियल है। फंडामेंटल्स ऑसम है, स्टील सेक्टर ये काउंटर है और ये जस्ट 50% डिस्काउंटेड रेट पर है अपने 52 वीक हाई से। केवल 74 रुपये पर ये स्टॉक आपको मिल रहा है, जो कि अगले 12 से 15 महीने में वापस आपको 100% का मुनाफा दे सकता है और देगा। ये जो काउंटर है वो स्टील सेक्टर का है और इसका नाम है मैन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो जिन लोगों ने मैन इंडस्ट्रीज़ के बारे में आरएनडी की हुई है उन लोगों के मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेट कहूँगा। स्टील ट्यूब्स एंड पाइप सेक्टर का ये काउंटर है। इसका जो बीएससी का कोड है 513269 है और जो एनएससी का कोड है वो है मैन आईएनडी। इसका जो बीएससी का कोड है मैन इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, इसका जो बीएससी का कोड है 513269, एनएससी का कोड है मैन MANINDS। स्टील ट्यूब्स एंड पाइप सेक्टर में लिस्टेड ये कंपनी है। 74 रुपये यानी 74 रुपीज़ 35 पैसे पे काउंटर ट्रेड करते हुए। अगर आप वॉल्यूम देखें तो बहुत ही लो वॉल्यूम से ट्रेडिंग रहती है, लगभग 32,595 का टोटल वॉल्यूम है। एंड अगर हम लोग इसके बात करते हैं, माइक्रो कैप काउंटर है ये, 114 रुपये की बुक वैल्यू है। प्राइस टू बुक आप देखेंगे बहुत ही फेयर प्राइस टू बुक वैल्यू है, यानी कि अपने एक्चुअल जो बुक वैल्यू के प्राइस है उससे भी आपको काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पर ये मिल रहा है और 0.65 इसकी प्राइस टू बुक है। इंडस्ट्री पी 16.32 है और अगर हम स्टॉक की पी की बात करते हैं लगभग 4.93, यानी बहुत ही लो पी का स्टॉक है। एक अच्छे फंडामेंटल का स्टॉक एक बहुत ही लो पी पे इस वक्त अवेलेबल है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी डिस्काउंटेड रेट पर इस वक्त अवेलेबल है। आप अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखेंगे तो लगभग 9.56% का ओपीएम है काउंटर का, कंपनी का। ईपीएस 14.66 का है, शानदार ईपीएस है। डेट टू इक्विटी रेशियो आप देखेंगे 0.57 एंड आरओसीई और आरओई दोनों ही बेहतरीन है। अगर सेल्स ग्रोथ की बात करते हो, लास्ट 3 ईयर्स में लगभग 5% की ग्रोथ रही है कंपनी के एंड जो फेस वैल्यू है वो लगभग 5 की फेस वैल्यू पर काउंटर इस वक्त ट्रेडिंग कर रहा है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बहुत ही कम है, केवल 5.71 करोड़ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ही मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहा है। एंड इसके अलावा अगर मैं शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करता हूं तो शेयरहोल्डिंग पैटर्न में दोस्तों आपको मैं बता देता हूं कि लगभग 42.69% टोटल शेयरहोल्डिंग प्रमोटर्स की होल्डिंग है, जिसमें कि 11.69 जो वो प्लेज है। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड्स एंड क्यूएफआईज की बात करते हैं तो क्यूएफआईज का ही निवेश है इसमें ज़्यादातर 4.87% का। इसके अलावा 31.24% इंडिविजुअल्स का एंड 20.59% जो वो एनी अदर्स के पास है। साथ ही अगर हम लोग फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, डेट की बात करते हैं तो लो डेट कंपनी है ये। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, सेल्स ग्रोथ अच्छी है, बॉटम लाइन टॉप लाइन दोनों ही शानदार तेजी से बढ़ रहे हैं और आप देखेंगे 270 करोड़ का टोटल डेट है कंपनी का, जबकि 653 करोड़ की नेटवर्थ है और रिजर्व जो है वो 624 करोड़ के हैं। सो ओवरऑल डेट भी रिड्यूस हो रहा है, 418 से घटकर 270 करोड़ के डेट रह गए हैं पिछले 5 सालों के अंदर। और इन्वेस्टमेंट अगर देखें 123 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है कंपनी का। कैश एंड बैंक बैलेंस की बात करते हैं तो लगभग 63.43 करोड़ है, जो कि पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम है कैश एंड बैंक बैलेंस। प्रोविजंस 8 करोड़ के प्रोविजंस हैं एंड बुक वैल्यू काउंटर की 114.42 की है। इसके साथ ही अगर हम लोग एनुअल नंबर देखते हैं मार्च 18 के, तो नंबर्स काफ़ी बेहतरीन थे एनुअल। लगभग 1572 करोड़ की टोटल सेल्स रही कंपनी की टॉप लाइन, जबकि मार्च 17 में सेल्स थी वो 1039 करोड़ की टोटल सेल्स थी। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इसके बॉटम लाइन प्रॉफिट की, तो आप देखेंगे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस है वो लगभग 95 करोड़ का था, जबकि पिछले साल 2017 में केवल 43 करोड़ 39 लाख का ही प्रॉफिट था, जो कि 2018 में बढ़कर 94 करोड़ 54 लाख के आसपास पहुंच गया। सो शानदार परफॉर्मेंस है काउंटर की। ईपीएस भी आप अगर देखेंगे तो बेहतरीन है ईपीएस भी कंपनी का, 5.72 से बढ़कर दुगना हो चुका है ईपीएस 11 रुपीज़ के आसपास 2018 में। साथ ही अगर हाफ ईयरली नंबर्स की बात करता हूं मैं, तो हाफ ईयरली नंबर्स में भी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट कंपनी ने दिया है सेप्टेम्बर हाफ ईयरली में।
जहां पर सितंबर 17 हाफ ईयरली में कंपनी ने 592 करोड़ का टोटल नेट सेल्स डिस्क्लोज किया था, वहीं सितंबर 18 के हाफ ईयरली में कंपनी ने 1435 करोड़ का सेल्स यानी कि इनकम डिक्लेयर की है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे प्रॉफिट्स की तो पीवीटी बहुत शानदार रहा है, जहां पर 27.53 करोड़ था पिछली छमाही 2017 की सितंबर छमाही में, जो कि अब 100% से भी ज़्यादा बढ़ चुका है और 62 करोड़ 82 लाख के आसपास केवल दो तिमाही यानी कि एक छमाही में, जो फर्स्ट छमाही है फर्स्ट हाफ ईयरली है उसमें ही लगभग 63 करोड़ के प्रॉफिट कंपनी ने डिक्लेयर कर दिए, जबकि लास्ट ईयर ओवरऑल 95 करोड़ के प्रॉफिट से। तो मुझे लगता है कि कंपनी 100 करोड़ से भी ज़्यादा के प्रॉफिट दिखाने वाली है मार्च फाइनेंशियल्स में, जो कि एक बहुत ही शानदार बात रहेगी कंपनी को। यहाँ से काउंटर में अब पोजीशन बनाने का बहुत ही उत्तम और बेहतरीन समय है। बहुत ही अगर मैं बात करूँ स्टॉप लॉसेस की तो एग्जैक्टली ये अपने सपोर्ट लेवल पर काम कर रहा है इस वक्त काउंटर, और इसके टेक्निकल्स भी आपको दिखा देता हूँ और आपको पता चल जाएगा कि काउंटर किस हद तक गिरावट आ चुकी है और अब यहाँ पर बहुत ही शानदार इसमें सपोर्ट जोन है। लगभग ये आपको मैंने दिखाया, ये मेटल सेक्टर का जो भी इंडेक्स है, मेटल सेक्टर का इंडेक्स भी ऑलमोस्ट करेक्शन मोड में आ चुका है। लगभग 3086 का मेटल इंडेक्स का सपोर्ट जोन है और यहाँ से मेटल इंडेक्स में भी हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है आने वाले महीनों में, क्योंकि मेटल इंडेक्स जहाँ तक हमने पीछे देखा काफ़ी करेक्शन जोन में आ चुका था, चाहे वो टाटा स्टील हो, हिंडाल्को हो, जेएसएल हो, जेएसडब्ल्यू स्टील हो, मैन इंडस्ट्री, तो सभी में काफ़ी हमने डीप करेक्शन देखा हुआ है और अब कहीं ना कहीं बॉटम फॉर्मेशन तैयार हो रहा है और एक बड़ी रैली मेटल इंडस्ट्रीज में अगले 3-4 या 6 महीने के अंदर हमें देखने को मिलेगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप अगले 12-15 महीने के लिए काउंटर रखेंगे तो आपको इस काउंटर में वापस 160 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकता है, यानी कि आपका पैसा दुगना होगा अगले 15 महीने के अंदर इस काउंटर के अंदर। जितने भी मैं शेयर्स बता रहा हूँ वो मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जून जब इलेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे, इलेक्शंस के बाद जब रैली स्टार्ट होगी मार्केट में, तो ये काउंटर्स आपको ज़बरदस्त मुनाफे भी देंगे। तो दोस्तों आप बल्क में बाइंग मत कीजिएगा इन काउंटर्स में, ये याद रखिएगा, क्योंकि अभी इलेक्शंस का टाइम दूर है, करेक्शन जोन भी आएगा मार्केट के अंदर, तो कोशिश कीजिएगा छोटी छोटी क्वांटिटीज़ को खरीदने की, और छोटी छोटी क्वांटिटीज़ खरीदेंगे तो आपको एक अच्छे मुनाफे भी मिलेंगे एक अच्छे लेवल के साथ। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मैन इंडस्ट्रीज़ के टेक्निकल चार्ट की, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं दोस्तों। मैन इंडस्ट्रीज़ का जो टेक्निकल चार्ट है वो इंडिकेट करता है कि 73 रुपीज़ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द क्रूशल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इन द मैन इंडस्ट्रीज, यानी कि अगर आप लोग अभी बाइंग करना भी चाहते हो तो 73 रुपीज़ का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के रखिएगा। फॉर द टारगेट आपका जो टारगेट मिलेगा वो लगभग 90-95 रुपीज़ का आपको मिल सकता है अगले 3 महीने के अंदर, 3 मंथ्स में आपको 75-95 तक के लेवल मिल सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 73-72, जो कि एक बड़ा वीकली सपोर्ट है इस वक्त अगर हम देखेंगे तो, क्योंकि अगर 73 के नीचे की क्लोजिंग आई तो डेफिनेटली बात है कि आपको फिर एक अच्छे और डीप करेक्शन देखने को मिलेंगे 60 रुपीज़ तक के। तो ये मैन इंडस्ट्री का एक अच्छा समय है, सपोर्ट जोन में ट्रेड कर रहा है, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आप लोग स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं 2 या 3 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ से लगाइए, 71-72 रुपये का, 71-72 का, और वीकली स्टॉप लॉस रहेगा ये, यानी कि वीकली क्लोजिंग अगर 71-72 के नीचे होती है तो आप एग्जिट करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 90-95 रुपीज़ इन द नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर। लॉन्ग टर्म में अगर आप रखेंगे 12-15 मंथ के लिए तो आपको डेफिनेटली इस काउंटर के अंदर लगभग 150-160 रुपये तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो ये हमने दोस्तों आपको बात की सुपर जैकपॉट काउंटर के बारे में। मैन इंडस्ट्रीज फंडामेंटल्स बहुत ही औसम है और इनके फंडामेंटल्स की बात अगर मैं करता हूँ आपको, तो मैंने आपको दिखाई दिए हैं जो कि छमाही नंबर्स बहुत शानदार रहे हैं और एनुअल नंबर्स और भी बेहतर होने की पूरी संभावना है। सो दोस्तों ये सुपर जैकपॉट काउंटर, और अगले वीडियो में हम लोग फिर एक नए सुपर जैकपॉट काउंटर के साथ आपके साथ आएंगे, जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि आपको किन लेवल्स पर, किन स्टॉप लॉसेस के साथ, किन रेजिस्टेंस लेवल के साथ बाइंग पोजीशन बनानी है ताकि आप अच्छा और बड़ा मुनाफा कमा पाएं। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को केयरफुली देखिएगा, स्टॉप लॉसेस को नोट करके रखिएगा, अपनी एनालिसिस कीजिएगा और प्रॉपर वे में सही तरीके से SIP के माध्यम से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि अब समय धीरे धीरे बाइंग जोन की तरफ आ रहा है, इलेक्शंस धीरे धीरे करीब आ रहे हैं, टाइम बहुत दूर नहीं है, एक डिप आएगी और डिप में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी फिर मिलेंगी और आपको जैसे अपॉर्चुनिटी मिले आप उसको ग्रैब कीजिएगा और आप बनिएगा मार्केट में फियर के समय ही सबसे ज़्यादा खरीदारी होती है बड़े अच्छे निवेशकों के द्वारा, और सबसे ज़बरदस्त मुनाफा भी वही लोग कमाते हैं जो कि फियर के टाइम पे ही अच्छी पोजीशंस अच्छे स्टॉक में बनाते हैं।
सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, नमस्कार।